हाय गाइस, तो अगर आपने सोचा अपने घर में स्टोन क्लैडिंग लगाने का, तो आपका जो घर का इंटीरियर है वो नॉर्मल इंटीरियर से करीब 50 टाइम्स अप होने वाला है, क्योंकि आजकल इंटीरियर्स में वॉल क्लैडिंग को काफी पसंद किया जा रहा है और अब इसके जो डिजाइन है मार्केट में वो बहुत अच्छे सुंदर और बहुत सारे डिजाइन आ चुके हैं। तो अगर आपने भी स्टोन क्लैडिंग का लगाने का सोचा है, तो अगर आपके मन में कुछ डाउट्स हैं तो वो मैं आप सारे क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। मैं आपको स्टोन क्लैडिंग क्या होती है वो बताने वाला हूँ, कहाँ कहाँ ये लगाई जा सकती है अंदर या बाहर, वुड पे या वॉल पे, इसकी कॉस्ट कितनी होती है, कैसे लगाई जाती है और किस किस टाइप के डिजाइन हैं, और इस पे एक केमिकल जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा वो लगाने के साथ इसकी जो ब्यूटी है वो और ज्यादा हो जाती है सिर्फ 20 रुपए में। इसके फायदे और नुकसान क्या है जो कोई नहीं बताएगा, इसकी लाइफ कितनी होती है और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आती है। और अगर आप ये वीडियो पूरे एंड तक देखेंगे तो लास्ट में मैंने आपको एक टिप बताने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट में जो स्टोन क्लैडिंग है वो अपने रेट से काफी ज्यादा रेट पे बिकती है क्योंकि आजकल ये ट्रेंडिंग है, और मैं आपको एक ऐसी शॉप बताऊंगा जहां पे ये वॉल क्लैडिंग आपको बहुत ही सस्ते रेट पे मिल जाएगी। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटीरियर कोच पे और मैं हूं आपका इंटीरियर कोच एंड इंटीरियर बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। तो सबसे पहले स्टोन क्लैडिंग क्या होती है। देखो, स्टोन क्लैडिंग अगर आप गुड़गांव में रहते हैं तो स्टोन क्लैडिंग को बुट स्टाइल के नाम से भी जाना जाता है। स्टोन क्लैडिंग जनरली छोटे छोटे स्टोन के पीसेस को आपस में एक मैश के ऊपर जोड़ के बनाया जाता है। ये जनरली ज्यादातर बनाई जाती है राजस्थान में, जिसको बनाने में काफी टाइम लगती है और ये सारी हैंडमेड होती है, इसमें मशीन का कोई रोल नहीं होता है। दूसरी जो चीज आती होती है लोकेशन, कि हम इसको कहाँ कहाँ लगा सकते हैं। पहले मैं आपको कुछ फोटोज दिखाता हूँ, वो फोटोज देखिए और देखिए कितनी सुंदर लगती है इंटीरियर एक्सटीरियर। अब हम इसको हम टीवी यूनिट पे लगा सकते हैं, बोर्ड पे या वॉल पे भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप फोटोज में देख सकते हो। एक्सटीरियर में लगा सकते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता ये कहाँ लगाई जा रही है। इसको पेंट के ऊपर डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है, फ्रेश प्लास्टर पे लगाया जा सकता है, इसको हर जगह लगाया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ वॉल पे ही लगाइएगा, फ्लोर के लिए नहीं है। या पूरे के पूरे घर के एक्सटीरियर पे भी लगा सकते हो, इंटीरियर में लगा सकते हो, लेकिन अगेन स्केलिंग और रेशो का बहुत ध्यान रखना है, जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोज में इंटीरियर डिजाइनिंग कैसे होती है वो बताया हुआ है। जहां पे इस पॉइंट का ख्याल रखना है वहां से आप ये देख सकते हैं, मैंने आई बटन में डाल दिया है। और इसको और भी जगह लगाया जा सकता है, आप इंटीरियर में फायर एरिया में लगा सकते हैं, वॉश मशीन के मिरर के पीछे लगा सकते हैं, किसी एक वॉल को हाईलाइट करना है वहां लगा सकते हैं, टीवी यूनिट के पास लगा सकते हैं, किचन में लगा सकते हैं। नहीं तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन का बिजनेस है, हम आपको बता देंगे कि कहां पे सबसे आपके बेस्ट लगे। आपको बस कुछ फोटोज हमारे साथ शेयर करनी है और हमारे इंटीरियर डेकोरेटर आपको यहीं से बता देगा, वो भी एकदम मिनिमम कॉस्ट। अब जो थर्ड पॉइंट आते हैं कि ये लगती कैसे है। देखो, जनरली इसके लिए स्किल्ड मैन पावर का होना जरूरी है, क्योंकि मैंने कई जगह देखा है कि जो टाइल नॉर्मल मिस्त्री जो लगा देते हैं वो क्या करते हैं, सीमेंट का पेस्ट लेते हैं के पीछे लगा देते हैं और सीधा वॉल पे लगा देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका एक एडेसिव आता है MBI के लेटिक्रेट, हमेशा उसके थ्रू ये लगाए, क्योंकि बुट स्टाइल्स जो हैं एक मैश पे होती है और ये इजीली खराब हो सकती है, इजीली जो उसके छोटे छोटे पीसेज हैं वो निकल सकते हैं बाद में। तो मैंने अगेन एक वीडियो बनाई है कि टाइल कोई भी लगानी है तो कैसे लगानी है। अगर डायरेक्ट आप पेंटेड वॉल के ऊपर लगाने जा रहे हो तो वो आप वहां जाके जरूर देखना, क्योंकि अगर स्टोन क्लैडिंग आपने नॉर्मल ऐसे ही लगा दी तो ये पक्का गिरेगी। बाकी लगती वैसे सेम, प्रोसीजर सारा सेम होता है, बस जो सीमेंट है आप सीमेंट की जगह उस एडेसिव को यूज कीजिए, उससे टाइल कभी नहीं गिरेगी और लाइफ भी बहुत सही रहेगी। अब जो पॉइंट आता है कि इसमें कुछ जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग की वीडियो में कि 20 रुपए में इसकी जो फील है वो और अच्छी कैसे हो जाए। देखो, जनरली अगर आप मार्केट में जब स्टोन क्लैडिंग खरीदने जाओगे तो वहां पे दो टाइप से आपको फील दिखाई देगी, एक जो नेचुरल फील जो उस टाइम वहां दिख रही होगी, दूसरा इस पे एक वार्निश लगता है, एक पॉलिश आती है बहुत ही सस्ती होती है, 20 रुपए में आपको वो करीब 200-300 ग्राम मिल जाएगा। तो आपको वहां पे तो पॉलिश करके नहीं देखना है, आपको स्टोन क्लैडिंग पे थोड़ा सा पानी लेना है, उस पर छींटे मारनी है और वार्निश के बाद क्या फील आएगी वो वहां पे दिख जाएगा। तो अगर आप नेचुरल फील चाह रहे हैं तो वैसी की वैसी सेम टाइल आपने उठाई और वहां घर में लगा सकते हैं, नहीं तो फिर आप उसमें वार्निश करा सकते हैं, तो आपको दोनों फील एंड टेस्ट का पता लग जाएगा। और या फिर आपने घर में टाइल लगाने के बाद भी पानी डाल के चेक कर सकते हैं कि हाँ ये टाइल मेरे को नेचुरल लुक में ज्यादा अच्छी लग रही है या एक लग्जरी फील आप चाह रहे हैं। अब इसके टाइप्स कितने होते हैं। देखो, स्टोन क्लैडिंग के बहुत सारे टाइप्स हैं, कम से कम अगर मैं आपको बताऊंगा तो करीब 850 डिजाइन्स तो वैसे ही मार्केट में अवेलेबल है, बट कुछ जो मेरे पर्सनल अच्छे डिजाइन हैं जो और जो मैंने साइट पे लगाए वो आपको कुछ दिखा देता हूँ फोटोज के थ्रू। अब किसी में फ्लोरल पैटर्न है, किसी में मोजैक पैटर्न है, किसी में कोई आर्टिक्राफ्ट बना हुआ है, किसी में कुछ कार्विंग्स हो रखी हैं। अगेन, ये सारी हैंडमेड है, इसलिए इसकी जो कॉस्ट है वो भी ज्यादा होने वाली, वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अब इस स्टोन क्लैडिंग का फायदा और नुकसान क्या होता है। देखो, ये कभी भी स्टोन क्लैडिंग आपको वहां नहीं लगानी है जहाँ छोटे बच्चे हो, क्योंकि स्टोन क्लैडिंग काफी रॉ होती है, तो आपको फर्श से थोड़ा सा हाइट उठा के ही रखना है, नहीं तो कई बार बच्चे चलते चलते गिर जाते हैं तो उनके हाथ पे एब्रेशन स्क्रैच कुछ भी आ सकता है, चोट लग सकती है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है, ये इसका एक डिसएडवांटेज है। दूसरी चीज, अगर ये ढंग से नहीं लगाई गई इसमें जो छोटे छोटे पीसेज होते हैं वो अपने आप निकल के कुछ टाइम के बाद गिरने लग जाते हैं। तीसरा जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि
इसमें जो वेस्टेज आती है वो बहुत ज्यादा आती है। सपोज कीजिए अगर आपके घर में ये 500 स्क्वायर फीट एरिया में लगने वाला है तो आपको कम से कम 650 या 700 स्क्वायर फीट ऑर्डर करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये टाइल पैक होकर आते हैं जिस मेश पे लगाई जाती है उसमें से करीब 30% या 40% टाइल तो वैसे ही खराब निकलती है, जिसमें से आपको शॉप पे पहले ही बोल दिया जाता है कि देखो वेस्टेज आपके एंड पे है, अगर टाइल कैसी भी निकली उसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो जो सबसे बड़ा नुकसान है वो यही है इसका। बट अगेन अगर आपको फील और लग्जरी फील चाहिए तो इतना तो हम कर सकते हैं। और जो इसका फायदा है वो ये है कि फील तो ये आपको इतनी लग्जरी फील दे देगी कि अगर आपके घर में कोई भी गेस्ट आने वाला है, अगर आपने इसको छोटे से वॉल पे भी लगाया हुआ है तो ये अगेन आपके गेस्ट का ध्यान वहीं रखेगी और अगेन आपको कॉम्प्लीमेंट्स बहुत ज्यादा मिलेंगे जस्ट बिकॉज ऑफ इन टाइलों की वजह से। अब जिस पॉइंट का आपको इंतजार है कि इसकी कॉस्ट कितने होने वाली है, इसकी जनरली स्टार्टिंग है वो करीब 100 रुपीज स्क्वायर फीट से शुरू होती है और 850 रुपये स्क्वायर फीट से जाती है। जनरली जो इसके साइज अवेलेबल होते हैं वो 1x1 में होते हैं, 1x1 से बड़ा साइज नहीं आता है, इसे छोटे मिल जाएंगे आपको अलग अलग साइजेस में, रेक्टेंगुलर स्क्वायर सर्कुलर भी मिल सकते हैं। तो अगर आपके घर में करीब 100 स्क्वायर फीट ये टाइल लगने वाली है और आप 100 रुपये स्क्वायर फीट वाली टाइल खरीदे तो 10,000 की टाइल तो है ही है, साथ के साथ आपको करीब 3,000 एक्स्ट्रा पे करने होंगे जस्ट बिकॉज क्योंकि उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा आएगी। अब जो लास्ट पॉइंट आता होता है लाइफ एंड मेंटेनेंस। देखिए इसकी जो लाइफ, अगर मैं अगेन बता रहा हूँ कि अगर अच्छे स्किल मैन पावर ने लगाई होगी तो ये 10 साल तक कहीं टाइल नहीं हिलती है, और अगर किसी अनाड़ी ने लगाई है टाइल तो ये 2 साल के अंदर ही अंदर इसके छोटे छोटे पीसेज अपने आप निकल के पॉप आउट की तरह गिरने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो वीडियो मैंने टाइल कैसे लगती है वहाँ दिखाया हुआ है, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने देखा है कईयों की तो डेथ भी हो चुकी है जब हाइट से टाइल निकल के या स्टोन निकल के उनके सर पे गिर जाता है। अब जो मेंटेनेंस है इसकी, मेंटेनेंस का कॉस्ट अगेन से वार्निशिंग का है, अगर आप वार्निश रखते हैं इस पे तो आपको साल में करीब इसके 300 से 400 रुपए देने होंगे 100 स्क्वायर फीट के लिए, जो इजीली कोई बड़ी चीज नहीं है। ये आप खुद भी कर सकते हैं या कोई किसी पेंटर को भी हायर कर सकते हैं, उसके लिए कोई स्किल पेंटर होने की जरूरत नहीं है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लोगों को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप इससे थ्रू कुछ भी पूछने वाले हैं तो आप मेरे को बता सकते हैं। और अब लास्ट पॉइंट, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं कि सबसे बेस्ट मार्केट कहाँ पे है इसका, इसका जो सबसे बेस्ट मार्केट है वो सिकंदरपुर मेट्रो, सिकंदरपुर के पास गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन से आगे अगर हम घिटौरनी की तरफ जाएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे ही पुलिस बैरिकेडिंग से जस्ट पहले एक बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें एक होलसेल रेट पे मिल जाएगी। नहीं तो आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपका नाम रेफर कर देंगे, आपको एक अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। टिल देन गाइज टेक केयर एंड गुड बाय।